तो मैंने तो आपको बहुत कुछ दिखाया, लेकिन मैंने आपके यहाँ पर कश्मीरी मस्जिद नहीं दिखाई है। को देख सकते हो ना, खुदा कैसा कितना मजा लग रहा है। सकलाल चो खाग मागा मागा मागम खाग खाग। खुशी की बात है, हम घंटा घर के पास पहुँच गए। यहाँ वुज़ू बना रहे तकरीबन 600 साल पहले बना ये वाली मस्जिद। यह पूरी की पूरी मस्जिद देख सकते हो, ये वहाँ बाबर गयाउद्दीन का स्थान, और ये है पूरी की पूरी मस्जिद माशाल्लाह। ये है मेरे भाई नेपाल में जो 10th क्लास के, हम इनके पास आए थे, इनके पास भी दीन की बात की और ये समझाया हमारा मकसद क्या है, मुस्लिम आइडेंटिटी क्या है। अब इधर से भी इस मस्जिद को देख सकते हो माशाल्लाह, ये बहुत ही बड़ी है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा तीसरा दिन, और हम आज एक अच्छी जगह पर जा रहे हैं जिसका नाम है घंटाघर। वहाँ पर यहाँ पर ना बहुत ही बड़ी जामा मस्जिद है, उसके पास जा रहे हैं हम, क्योंकि कल से हम सिर्फ बाकी जगह घूमते रहे, मंदिर वगैरह। हमें मैं ढूंढ रहा था कहीं अच्छी सी मस्जिद हो जहाँ पर इंसान, हम घर में ही नमाज पढ़ रहे थे, तो आज तो वहाँ पर जाएंगे इंशाल्लाह, जोहर की नमाज उधर ही अदा करेंगे, और बाकी जो कज़ा नमाजें हुई ना वो भी इंशाल्लाह उधर ही अदा करेंगे हम। तो हम जा रहे हैं घंटाघर की तरफ। वहाँ पर जैसे ही मैं पहुँचूंगा ना, तो मैं आपको और दिखाऊंगा कि कैसे दिखती है यहाँ पर जामा मस्जिद। यहाँ वैसे बहुत सारी छोटी छोटी मस्जिदें भी है नेपाल में, लेकिन वो वाली ना सबसे बड़ी है। अब इधर का मार्केट भी देख सकते हो ना, इधर का मार्केट मुझे अब अच्छा लगा, वरना सिर्फ यहाँ पर क्या दिखते थे, वो गटर ही गटर। यहाँ तो तेज चलते चलते ना मेरी सांस फूल गई, अब हम चौक में पहुंच गए। आप देख सकते हो यहाँ पर ये बड़ा सा मंदिर भी है ना, तो हमें एक मुस्लिम आदमी मिला था, उसने बोला यहाँ पर मस्जिद जामा मस्जिद भी, नेपाली मस्जिद भी, और बाकी सारे टेम्पल्स भी है, उधर आप विजिट कर सकते हो, वो अच्छी जगह है देखने के लिए। हेलो, घंटाघर कहाँ से जाना पड़ेगा हमें? इस साइड, थैंक यू। तो यहाँ पर हमें और एक पता नहीं आंटी थी, दीदी थी, मैंने तो दीदी बोला, क्योंकि अगर आंटी बोलते ना तो थप्पड़ बज जाता, अक्सर लड़कियों को बुरा लगता है अगर उनको आंटी बोले, तो मैंने दीदी बोला, उम्र से बड़ी थी, तो बोला इस साइड जाना है, तो इस साइड चलते जा रहे हैं हम। ये भी बड़ा मार्केट है, अब देख सकते हो, देख सकते हो बड़ा हाईवे, और वो है ना वो सामने जो दिख रहा है, यही है मॉल। हम इधर भी जाएंगे और इंशाल्लाह मस्जिद में भी जाएंगे। आप देख सकते हो यार, यहाँ पर भी हमारा जो संडे मार्केट जैसा नहीं, वो भी यहाँ पर लगता है, जो कश्मीर में नहीं लगता संडे मार्केट साइडों में पटरी पे, वो यहाँ पर कदम मतलब ब्रिजों पर लगता है। सॉरी कदम बोल दिया, हमें ना आदत होगी उर्दू कश्मीरी करने की, तो निकल ही जाता है कश्मीरी वर्ड। चलो अच्छा है, आप इधर देख सकते हो, हमें ब्रिज पे हूँ, आप उधर से इतना बड़ा तालाब दिख रहा है हमें, तालाब इतना बड़ा। पता है अभी हम कहाँ पर है, हम ना अभी मॉल में आए हैं, तो हम जा रहे हैं ऊपर मॉल की तरफ। ये मॉल भी बड़ा है माशाल्लाह, अब ये देख सकते हो सारा का सारा, ये बड़ा मॉल है। अच्छा, वो आ रहे हैं फैजान राही और इंशा वगैरह, हम फिलहाल ऊपर चढ़ते जाएंगे, फिर देखते कहाँ। मुझे लगता है ये मेरी जिंदगी में पहला ऐसा मॉल देखा ना जो कि पूरा खाली का खाली पड़ा हो, इसमें कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है, जो यहाँ पर सीढ़ियाँ ऊपर जब चढ़ती है ना, जब इस पर इंसान पैर रखता है तो ही चलती है, वरना नहीं चलती है। और हम पहुंच गए मूवी एरिया में, यहाँ पर सब लोग मूवियाँ देखते हैं लेकिन हम नहीं देखेंगे, हराम हराम हराम। हम पहुंच गए लिफ्ट में, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी अच्छी सी, ये हमारे साथ, ये मेरे साथ दो किचन है, दिखाई नहीं सामने क्या है, और यहाँ पर सामने देख, देखो कितना अच्छा तालाब है, खुदा की कसम बहुत ही मजा को देख सकते हो ना, खुदा की कसम कितना मजा लग रहा है। मैंने इनके साथ बात भी की ना, जो यहाँ पर इसका ये बोला, हमारे इस मॉल को कोई नहीं जानता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैंने बोला वर्ल्ड में कहा एडवर्टाइजमेंट करो, और हमने इसके साथ बात की और अच्छा लगा, इसने हमारे साथ बहुत ही रेस्पेक्ट दिया हमें। ये तो आप बोल रहा था चाय भी पियो, हमने बोला नहीं नहीं चाय नहीं पिएगा, हम लेट हो गए। हम जल्दी जल्दी आए भी इस मॉल से और निकल रहे भी, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ दिखाई नहीं यार इतना अच्छा। वैसे आना चाहिए हर कोई इधर, इस मॉल का नाम क्या बताता हूँ, देखो इसका नाम क्या पढ़ लो, जैसे हमारे घर में नहीं कर रहे हैं, लाल चौक खाग मागम 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 खाग। खुशी की बात है, हम घंटा घर के पास पहुंच गए, यहाँ पर जामा मस्जिद भी है। जैसे ही मैंने देखा, मैं इतना ज्यादा खुश हुआ, इतना ज्यादा एक्साइटेड हुआ कि मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि दिन हो गया मुझे चारों तरफ इसके घूमते घूमते, मुझे ना मस्जिद मेरी थी ना घंटा घर में, घंटे को तो घंटा में छोड़ दो, हमें तो आना है अपनी जामा मस्जिद के पास, नमाज पढ़नी है। सकते हो ये देख सकते हो हमारी प्यारी सी मस्जिद, यार इसका नाम कश्मीरी जामा मस्जिद है, मैं तो ज्यादा ही खुश हो गया, कश्मीरी जामा मस्जिद, कश्मीरी तो इधर भी है, और मैं तेज तेज भाग रहा हूँ मस्जिद की तरफ, क्योंकि मुझे मस्जिद दिखी है। यस, जैसे हम इधर से एंटर हुए ना, यहाँ पर हमें दिखाई दिया कुछ स्थान जैसा है, चलो यहाँ पर कुछ, और हमने इनसे कहा कि हमें वुजू के लिए कहाँ जाना, मैंने इनसे कहा हमें वुजू के लिए कहाँ जाना, इन्होंने बोला हम नीचे जाना पड़ेगा वुजू के लिए, चलो हम पहले हम सब वुजू कर ले, मैंने तो किया हुआ है, मेरी बहन उन्होंने नहीं किया, और फैजानुद्दीन ने भी वुजू नहीं किया है, मैंने सुबह ही वुजू किया था। अब ये देख सकते हैं हमारा यहाँ पर नेपाल में कितना प्यारा मदरसा है, और यहाँ पर सब दीन की तालीम हासिल करते हैं, और हम बहुत खुश है, कसम से मैं इतना खुश कभी नहीं हुआ यार, दीन को देख के ना इतना खुश हो जाते हैं, अल्लाह ताला हमें भी दीन की तौफीक दे। यहाँ पर हम वुजू बनाएंगे यार, हमने इधर ना नात की आवाज़ सुनी, जैसे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक है, तो हमने नात सुनी, तो हम ऊपर जा रहे हैं नात सुनने के लिए, इंशाल्लाह हम भी नात एक पढ़ेंगे। नीचे वुजू बना रहे,
हैं मस्जिद में, यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ी जा रही है और हम बड़े मजे से सुन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। जब सहाबा सलाम करते थे ना, जब मेरा नबी कुर्बान जाए उसकी जान पर, हम सुन रहे थे हम इंटरनेशनल प्लेयर है, हम एथलीट है, गायकॉन है, मेरी बहन है, मेरा भाई है, हम पूरी टीम कश्मीर से इधर आए खेलने के लिए, अब यहाँ पर आने वाला है जिम्बाब्वे से भी, पाकिस्तान से भी। अस्सलाम वालेकुम। तो हम यहाँ पर आए थे ना मस्जिद में, मैंने जैसे आपको बोला मुझे कश्मीरी मस्जिद दिखी, तो यहाँ पर मदरसा भी एक अच्छा सा था और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर नात मिले पढ़ने का तो टाइम नहीं मिला, लेकिन 5 मिनट अपने भाइयों के साथ बात की। ये मेरे भाई, आपका नाम क्या है? अच्छा, कितने बच्चे पढ़ते हैं इस मदरसे में? 28 बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छे से तालीम होती है आपकी? चलो इंशाल्लाह दीन की खिदमत करो, हम इस दुनिया में इसीलिए आए दीन की खिदमत करने के लिए। हमारा असल में मकसद यही है मेरे भाई, मैंने आपको बताया 50 साल की ज़िंदगी के पीछे रहते हैं लेकिन हम 50,000 साल की ज़िंदगी को भूल जाते हैं। चलो अच्छा सा हम चलते हैं, खुदा हाफिज़। यही बार आए थे देखने के लिए, हम बस मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे फिर निकलेंगे। चलो खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। बात हुई यहाँ पर वज़ू खाना, मैंने आपको दिखाया वो हमारे बाकी भाई पे। ओके खुदा हाफिज़। माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ही बड़ा मदरसा है लेकिन बच्चे बहुत कम पढ़ते। तो मैंने तो आपको बहुत कुछ दिखाया लेकिन मैंने आपके वहाँ पर कश्मीरी मस्जिद नहीं दिखाई है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी प्यारी सी कश्मीरी मस्जिद इधर, यार देख सकते हैं इस पर कितनी प्यारी सी ये बनी हुई है यार पेंटिंग है, खुदा की कसम। ये लिखा है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर और वगैरह उधर से और लिखा है। चलो इसको मैं पूरा दिखाता हूँ ना तुम्हें। माशाल्लाह खुदा की कसम यहाँ पर दीनी भाइयों के साथ बात हुई ना, बहुत ही अच्छा लगा। यह मेरी बहन है या फैज़ान है, ये है इंशा हमारी। तो बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। हम ऊपर चढ़ के देखते देखते क्या है इधर। यहाँ से बस ही मदरसा दरस निज़ाम, दरस निज़ाम यहाँ पर दरस वरस होता है बच्चों का। मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ यार, यार कोई गेब वो मीनार सा बना हुआ है ना, पता है यहाँ पर शायद स्पीकर अलाउड नहीं है इसलिए यहाँ पर आजान दी जाती है, इधर से आजान दी जाती है तो सबको सुनाई देता है। यार मैंने तब से ध्यान नहीं दिया है, देखो ना यहाँ पर क्या लिखा है, उस्ताद मुबारक हज़रत सईद ना दाता ख्वाजा गयासुद्दीन शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। माशाल्लाह यार कश्मीर से इधर भी लोग आए हैं दीन की खिदमत के लिए माशाल्लाह। फैज़ान जी चल नमाज़ पढ़ते हैं, माशाल्लाह पढ़ो नमाज़ पहले। वो देखो यहाँ से हमारी बहनों ने स्टार्ट की, हम भी पढ़ते हैं। चलो खुदा हाफिज़ भाई। यहाँ पर देख सकते हो बहुत ज़्यादा कुरान पाक पे है, इंशाल्लाह हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। माशाल्लाह 1:30 बजे यहाँ पर जमात होगी, इंशाल्लाह हम जमात पढ़ देंगे इंशाल्लाह ताला। मस्जिद को तो तकरीबन 600 साल पहले बना ये वाली मस्जिद, 600 साल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इमाम साहब है। हाँ, और ये मदरसा बच्चे जो भी शुरुआत हुआ है ये तकरीबन वही 6-7 साल हुआ है बच्चे। तो यहाँ पर बहुत पुरानी मस्जिद है, आपको 600 साल पहले उस वक्त भी कश्मीरी मस्जिद नाम था। और कश्मीरी मस्जिद नाम थोड़ी बदला जाता, मतलब यहाँ पर ये कश्मीर के वली आए थे इधर। हाँ, करने के लिए मेरी बाबा यही है जो मैंने इसका नाम पढ़ा। हाँ, गयासुद्दीन शाह उधर बाबा मिस्किन शाह वो मामू हुई ये भांजे हुई, मतलब कश्मीर से। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह खुदा की कसम बहुत दिल खुश होता है यार, हम भी हमें भी दीन की खिदमत करनी चाहिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें दीन की खिदमत करने की तौफीक दे। तो ये इमाम साहब कह रहे थे 600 साल, इट्स नॉट अ जोक, 600 साल यार। कश्मीर में भी वही 700 साल हो गए ना इस्लाम को, 600 साल हो गए यहाँ पर ये मस्जिद बनी हुई और ये मस्जिद इतनी प्यारी है ना खुदा की कसम, अगर दिल कर रहा है इससे बाहर निकले। यहाँ पर बाबा गयासुद्दीन शाह कश्मीरी है और इसका उधर ये भांजा है, उसका वो वहाँ पर मामा है, नाम बताया था मैं भूल ही गया, ये दोनों है वहाँ पर मस्जिद बनी हुई। लेकिन ये मदरसे को कम ही टाइम हुआ 11 साल, ये मदरसा बहुत बड़ा है, इसको घूमते घूमते बहुत टाइम लगेगा, इसको मैं नहीं दिखा सकता हूँ आज क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ, यहाँ से नमाज भी पढ़नी है और वहाँ वापस भी पहुँचना है, हम उनको वो डर जाते हैं ना वहाँ पर हमारे। तो 11 साल हो गए इस मदरसे को बने हुए और इस मस्जिद को हो गए 600 साल, दिखाता हूँ। यह पूरी की पूरी मस्जिद देख सकते हैं, ये वहाँ बाबर गयासुद्दीन का स्थान और यह पूरी की पूरी मस्जिद माशाल्लाह। ये पेंटिंग तो नई नई की हुई लेकिन मस्जिद बहुत पुरानी है। यहाँ से मेन हिस्सा इसका यहाँ पर मेरे भाई वगैरह कुरान पढ़ रहे हैं और ये इस मस्जिद में इंशाल्लाह क्या बोलते हैं एंटर होते हैं अल्लाह बाबा रहमतिका। ये इसके प्यारे से झूमर, यहाँ पर सारे कुरान और तफसीर वगैरह नेपाली में ही पड़े हुए हैं और ये हमारी प्यारी सी मस्जिद है, अल्लाह ताला का घर है। इवन बलायन क्या मानो, इन बलायों को क्या मैं बोलूँ, ये जो झूमर है ना इसको छू रहे बोरे, ये असली डायमंड है या क्या, ये इसी परेशानी में वो, ये असली कहाँ पर, ये नकली, ये शो होता है लेकिन महंगा बड़ा होता है ये भी। तो हम इधर से अब निकलने वाले, हम इधर से निकलेंगे क्योंकि हम लेट हो गए, तो फाइनली हम निकल रहे हैं इधर से। तो इस मस्जिद से हम निकलने वाले, यार गेट देखो ना इसका कैसा इंटरेस्टिंग, वो मूवी में नहीं होता तिजोरियों को ऐसा ही गेट। ओके सर खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, आएंगे हम दोबारा इंशाल्लाह। इधर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं लेकिन यार हमारी गाड़ी का भी खतरा है ना, इतना रिस्क लेके हम मोबाइल हाथ में, ये गलत बात है। लेकिन ये अपना काम कर रहे हैं,
हर कोई अपना काम में लगा है। हम इतने खुश हो रहे हैं, खुदा किस्म अल्लाह ताला की इतना फजल व करम है, हमें यहाँ पर और एक तबलीगी जमात का मरकज दिखाया। पहले जिस मस्जिद में गए थे वो अपने बरेलवी भाइयों का मरकज था, वहाँ पर भी हमने बात की, दीन की बात की। अब हम आए हैं तबलीगी जमात के मरकज पे, यहाँ पर यार दीन को देख के ना बड़ा खुश होते हैं, अपने मुसलमान भाई को देखते। इधर हम आए हैं तो बात करेंगे, आगे जाएंगे हम, देखते कौन कौन है इधर। इधर स्कूल भी है, मदरसा भी है, उनका अपना भी है मदरसा इस्लामिया, ये थोड़ा बड़ा है उससे, खुश होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है हमारे, अस्सलाम वालेकुम, प्रेसिडेंट है हमारे स्कूल के, उन्होंने हमें इजाज़त दे दी इधर आने की। हम खुश हो रहे हैं ना, अल्लाह ताला हमें हमसे दीन का काम ले, यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। अपने मुसलमानों को देखते हैं ना बहुत खुशी होती है। ये हमारे सदर साहब, मोहम्मद शमीम, आपका नाम मोहम्मद शमीम, माशाल्लाह, खुश हो रहे हैं बहुत हम यहाँ पर आके, क्योंकि हम भी एजुकेशन से ही है, एजुकेशन सेक्टर से ही है, हम खेलते भी, एथलीट भी है, हम यहाँ पर आए, यहाँ पर बहुत ही खुशी लग रही है। आप स्कूल को देख सकते, माशाल्लाह आप इस स्कूल को देख सकते हो, बड़ा प्यारा स्कूल है, यहाँ पर हम आए हैं। मैंने बचपन में पढ़ी किताब में छोटा था, आप लेकिन वो सोहबत में बैठते, वो एक अच्छे एनवायरमेंट में बैठते, क्या बैठते अच्छे। ये है मेरे भाई नेपाल में जो 10th क्लास के, हम इनके पास आए थे, इनके पास भी दीन की बात की और ये समझाए हमारा मकसद क्या है, मुस्लिम आइडेंटिटी क्या है, हम कैसे बाहर निकले, हम कैसे निखरे अपनी जिंदगी में, हम मुसलमानों की कैसे हेल्प करें। सारे को हाय करो, सारे सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, चलो खुदा हाफिज भाई, हमारे लिए दुआ करोगे, बाय। तो अस्सलाम वालेकुम, हम इस स्कूल में आए थे तो हमने यहाँ पर दरस निज़ामी से भी बात की, प्रेसिडेंट साहब से भी बात की, और यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब है जो इधर का संभालते हैं, दोनों एकेडमिक भी संभालते हैं और दीनी दुनियाई दोनों संभालते हैं, तो उनसे बात की। उन्होंने कहा ये नेपाली 1996 में हुआ है, हम आपको उनसे बात करवाते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम सर, ये कब बना है स्कूल सर? ये आज से 84 years आगे बना है, 84 years इंडियन 84 पहले जी। अच्छा, आप इधर का दोनों सब कुछ संभालते हैं जी? हमको मदरसा भी देखना पड़ता है, स्कूल का भी देखना। यहाँ पर बच्चे पढ़ने में अच्छा है, अच्छे है या नहीं? माशाल्लाह, बाकी स्कूलों से तो यहाँ के बच्चे को इंग्लिश, नेपाली, उर्दू, अरबी भी तालीम हासिल करते हैं। बाहर के बच्चे, काठमांडू के स्कूल से बाहर के बच्चे या तो नेपाली और इंग्लिश। अच्छा सर, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या यहाँ पर बच्चों को टेक्नोलॉजी पे कुछ चलाएगा? कंप्यूटर क्लास भी होता है, कंप्यूटर क्लास होते हैं यहाँ पर, टेक्नोलॉजी के हिसाब से लेकर जैसे आज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आज तो क्योंकि 21वीं सदी है, आज के जमाने में जरूरी कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, वो इनको देनी चाहिए। जी जी है बिल्कुल, उन लोग को क्लास 2 से स्टार्ट है, और यहाँ पर दीनी तालीम उर्दू अरबी के साथ साथ में दीनिया और आपको कुरान शरीफ की रोजाना पड़ेगा। माशाल्लाह। तो सर ये मिले थे हम यहाँ के प्रिंसिपल साहब के साथ, बहुत ही अच्छे है, बहुत ही इज्जत करते हैं कश्मीरी लोगों की, और इसको आप इंशाल्लाह आएगा कश्मीर, आप नहीं आएगा इंशाल्लाह, जब आएंगे तो आप हमसे बात करेंगे, मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूँ, जब भी आएगा हम आपके लिए हाजिर है, कभी भी कश्मीरी लोग खिदमत के लिए बहुत ही अच्छे। ओके, अस्सलाम वालेकुम, मैं वीडियो उठा रहा हूँ, रुको, ठीक हो? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इन प्यारे बच्चों के पास आए, बड़ी प्यारी है, बस नेम अपना नाम बताओ मामा, बहुत खुश हो रहे हैं हम इनको देख के ना, बड़ा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। हमारे जैसे हमारे स्कूल में वैसे हमारा बचपन तो चला गया, बस अब तो इनका ही है। तो ये लो एक नई मस्जिद, हम नई मस्जिद के पास आए हैं यहाँ पर, ये नेपाली मस्जिद है, पहले जो हम थे ना वो कश्मीरी मस्जिद थी, और यहाँ पर कश्मीरी मस्जिद भी बनी, देखी खुशी हुई। यहाँ पर एंटर होती है हमने बहुत सारे कुरान पाक देखे वगैरह नेपाली में तर्जुमा, और अल्लाह हाफ्ता अली अबा रहमत का, माशाल्लाह मस्जिद तो बहुत बढ़िया है। बस एक ही हम है कश्मीरी, मुझे नहीं लगता, हम तो सिर्फ लड़ाया कर रहे हैं। यहाँ पर बेचारे लोग हर वक्त कोशिश करते, यहाँ पर बोलते थे कि हम कोशिश करते थे कि दीन की तरफ लोग आए, यहाँ पर मदरसे कायम किए गए, हमने तो देखा नहीं, जब से हम अंदर आए ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हुए, क्योंकि हमें भी ज़िंदगी ना, मैंने पहले ही बताया हम 50,000 की ज़िंदगी की तरफ भागते, उस ज़िंदगी की तरफ देखते नहीं जो 50,000 की है। अल्लाह ताला इन बच्चों के साथ कि हमें भी माफ़ फरमाएं, और यहाँ पर ये प्यारी सी मस्जिद देखे ना बहुत खुश हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। हम इधर नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ के इधर से निकलेंगे हम। देखो मेरे भाई, जो मुसलमान होता है ना वो अपने
मतलब ला बुक हर जगह कायम कर लेता है। यहाँ पर है नेपाली जामिया मस्जिद और इधर हमने देखा दारुल इफ्ता व क़ज़ा, मतलब यहाँ पर जो मुसलमानों के फैसले वैसले वगैरह होते हैं ना, जो हमारे इस्लाम में है अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग कुरान, अकॉर्डिंग टू शरिया, जो यहाँ पर मुसलमान है वो इधर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुफ्ती साहब है वो है ही नहीं इधर। यहाँ के जो प्रेसिडेंट साहब है उसने बोला अगर हमें पता होता आप आने वाले हैं तो हम मुफ्ती साहब को इधर ही रखते, उसे कहीं जाने नहीं देते। उनको हमारे साथ बहुत ही मज़ा लगा और हमें बहुत ही खुश हुआ यहाँ पर आके। यहाँ पर हमने ये देखा ना, बहुत ही खुश हुआ, मतलब हम देखो ना मुसलमान कोई भी चीज़ होता है ना कश्मीरी खासकर, हम कोर्टों में भागते, लेकिन इन्होंने यहाँ पर अपना कोर्ट बनाया है। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट मुसलमानों की नहीं है, लेकिन अपना कोर्ट बनाया है मुसलमान, जो मुफ्ती साहब फैसला करते हैं वो मुसलमान अपने सिर पर मान लेता है। यार ये होता है इस्लाम। इस्लाम मैंने बोला ना, जो नमाज़ें आपको बाहर बाजार में ना रुकाए वो नमाज़ें नहीं, वो इबादत नहीं, वो आदत है आपकी। अपनी आदतों को बदलो और इनकी तरह बनो, खुदा की कसम। यहाँ पर इतने कम मुसलमान होगी और ऐसी अकीदत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत, माशाल्लाह। तो अब हम जूते वूते लगाएंगे और इधर से निकलेंगे। यहाँ पर है जामिया, नेपाली जामिया मस्जिद का मैनेजिंग कमेटी ऑफिस, ये देख सकते हैं इधर पास में। ये हमारे भाई साहब हमें इधर मिले इनको फोटो उठाने के लिए, ये जो यहाँ पर प्रेसिडेंट साहब है उनके बेटे। ये बहुत, आपका नाम क्या है भाई? वसीम। आप क्या कर रहे हो? नहीं, आप सुपरवाइजर, चलो अलहमदिल्ला। जाना कहाँ से? हम इधर से ना तोड़ना है। तो ये है मकतब इदारा नेपाली जामिया मस्जिद, नेपाली जामिया मस्जिद हम इधर से निकलने वाले। अब इधर से भी इस मस्जिद को देख सकते हैं, माशाल्लाह ये बहुत ही बड़ी है। हम जहाँ से आए थे हम घंटाघर का रास्ता ही भूल गए भाई। घंटाघर का रास्ता कहाँ से? घंटाघर कहाँ पर है? घंटाघर कहाँ पर है असल में? आगे घंटाघर बोल रहे हैं आगे है, तो हम ज़्यादा पीछे आ गए। मस्जिद शरीफ आपको दिख रही है ना, जामिया मस्जिद, नेपाली जामिया मस्जिद, इधर थे हम, और पहले जिसमें थे वो कश्मीरी जामिया मस्जिद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुराना कॉलेज त्रिचंद्रा कॉलेज, और ये घंटाघर, इधर इतना बड़ा घंटाघर है, देखो सकते। तो हम पार्क में नहीं जाएंगे, हम सीधे घर जाएंगे, क्योंकि हम अगर घर नहीं पहुँचे ना 1:30 बजे तक, तो अभी हो रहा है टाइम 12:30, मतलब 12:45 इधर के हिसाब से वो 1 बज गई, क्योंकि यहाँ 15 मिनट आगे चलती है घड़ी। हम जल्दी जल्दी घर पहुँचते हैं, फिर खाने से भी रह जाएंगे, खाना खाएंगे। हम किसी को नहीं बोलेंगे आज हम कहाँ आए, अगर उनको बोलेंगे ना वो सब हमारे पीछे पीछे आ जाएंगे, तो हमारा ये भी खा जाएगा। पता है ये ऐसी लड़की है ना, ये लीवर को हाथ लगा रही पूरी, मुझे हार्ट में दर्द हुए। मैंने बोला लीवर, हार्ट तो इस साइड होता ही नहीं, हार्ट तो दूसरी साइड होता है, तू इस साइड क्यों हाथ लगा रही है? पता है जैसे हम अंदर आए ना, हमने सोचा हम अंदर जाएंगे, इतने खुश थे ना, लेकिन हम इतने बड़े उल्लू बन गए। देखो यहाँ से गेट ही बंद है ना, पूरा ये डाला हुआ है पूरा सही। अब बिल्ली की तरफ देख सकते हो, वेयर साइड वी गो, दे चार्ज जस्ट, दे चार्ज समथिंग फॉर गोइंग इनसाइड, व्हाट डू यू डू? से अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे यहाँ पर नए दोस्त बने, इनका नाम है सौरव और ये हमारी दीदी है। आपका नाम क्या है? इसका नाम रक्षा है। आप क्या करते हो? पढ़ते हो? यार बोलते हैं यहाँ पर अंदर नहीं जाने देंगे, मॉर्निंग टाइम 5 to 9 AM जाने देते। देख सकते हो यार इतना मजा कर लेते, अब इतना बड़ा तालाब कसम से मैंने नहीं देखा है, कश्मीर में डल है ऐसा। तो शुक्र है अल्लाह का हम घर पहुंच गए, हम उसी वक्त पहुंच गए थे ना, अभी हम 4 घंटे हो गए, मेरा मोबाइल उधर ही स्विच ऑफ हो गया था। आज की व्लॉग इधर ही खत्म करते हैं, हमने मैं घर आके नमाज भी पढ़ ली ना, और नहा भी लिया, नहीं नमाज तो बाद में पढ़ ली थी, उस वक्त तो हमने खाना खा लिया, फिर आ गए, फिर रेस्ट किया, फिर नीचे बैठे थे। आज के व्लॉग हम इधर ही खत्म करते हैं, मेरा पहला व्लॉग भी देख लेना है, और ये दूसरा भी, और ये तीसरा भी जो आज चढ़ा है, इंशाल्लाह चौथा भी चढ़ाएंगे, 4 व्लॉग काफी है। बाय बाय, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।